आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं होंगे। आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। पिछली वीडियो में मैं बनाई थी ब्रेड गुलाब जामुन। अभी मैं ली हूँ गोवर्धन गुलाब जामुन पाउडर। अभी इसको खोल के देखती हूँ क्या इसका पाउडर कैसे है। अभी पाउडर को निकाल देती हूँ एक थाली में। कम खुला हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा करके निकाल देती। पाउडर निकाल ली हूँ और इधर कढ़ाई में दूध रखी हूँ, इसको बना रही हूँ खोआ। अभी ये बन जाएगा गुलाब जामुन में, इसी में डाल के इसको बनाऊंगी। अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके आटे को गूंथ लेती हूँ। ये कच्चा दूध है, गर्म दूध नहीं है, ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो गीला हो जाएगा। थोड़े डाल के इसको गूंथूंगी। गुलाब जामुन का पाउडर एकदम अच्छे से गूंथ के तैयार हो गया है। देखिए ना बहुत कड़क है ना बहुत नरम है। इसको ऐसा 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। और इधर हमारा मावा रेडी हो गया है। चूल्हे को बंद करके एक बर्तन में इसको निकाल लेती हूँ। अभी इसमें आधा किलो शक्कर ली हूँ और इसी के माप से 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। थोड़ा और डालना पड़ेगा, पानी कम पड़ गया क्योंकि शक्कर ज़्यादा है। सॉरी, मुझे 3 गिलास पानी इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि चाशनी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। चूल्हे को चला देती हूँ। अभी इसमें इलायची को दरदरा कूट ली हूँ। अभी इसमें डाल देती हूँ थोड़ा इलायची पाउडर। इसको बचा के रखूँगी क्योंकि इसमें मावा में इसको डालूँगी। अभी पाउडर एकदम अच्छे तरीके से इसको गूंथ के एकदम सेट हो गया है। 5 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ी थी, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको थोड़ा और हथेलियों से थोड़ा मसाज कर देती हूँ। और इधर मावा है और इसमें बादाम और पिस्ता इसमें काट के डाली हूँ। और इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। और इसको इसमें कलर भी डाल सकते हैं मगर मैं कलर नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसके लिए कलर नहीं डाल रही हूँ। मावा ठंडा हो गया है और इधर चाशनी तैयार हो रही है। और इसको मैं थोड़ा मसल के इसको अच्छे तरीके से इसको गोली बना के तैयार करती हूँ। चाशनी रेडी हो गई है। अभी चूल्हे को बंद कर देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ और एक कढ़ाई को चढ़ाती हूँ। अभी कढ़ाई गरम हो गई है। अभी इसमें डाल दूंगी मीठा तेल, रिफाइंड तेल है ये। इतना ही डालूंगी ताकि गुलाब जामुन इसमें डूब जाए। अभी एक छोटा इसको बना के एक इसमें डाल के इसको देख चेक कर लेती हूँ। देखती हूँ ये फूटता है कि अच्छे से बनता है। अगर फूटेगा तो इसको अच्छे से और मसाज करूँगी। गुलाब जामुन फट नहीं रहा है और 2-3 इसमें डाल दी हूँ धीमी आंच पर। सुनहरा होने तक इसको फ्राई करूँगी क्योंकि थोड़ा इसमें और डाली थी बस चेक करने के लिए। ये गोल्डन हो गया है। अब इसको गोल आकार में इसको बना लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल के इसको एकदम जैसे पूड़ी बनाते हैं चने की दाल की, इसको वैसे ही इसको अच्छे से भर दे के इसको बंद कर देती हूँ। ये बहुत अच्छे से बनता है और फूटता भी नहीं है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अभी इसका जो छोटा टुकड़ा है उसका निकाल देती हूँ नहीं तो वहाँ पे मोटा हो जाएगा। अभी इसी आकार पे इसको धीमे आंच पर इसको फ्राई कर देती हूँ। देखिए कितना मस्त अच्छे से गोला बना हुआ है, देखिए। और इसको इसी में डाल देती हूँ। तो धीमी आंच पर फ्राई करूँगी नहीं तो ये
फट सकता है इसमें, क्योंकि स्टफिंग डाली हूँ, ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ, कम नहीं डाल रही हूँ, पूरा भर के डाल रही हूँ। है इसको भर के दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, वो अच्छे से नहीं हो पाया था। वो तो भर के तैयार हो गया था, लेकिन और एक मैं बना के दिखा दूँ, लास्ट बचा है। इसको अच्छे से दबाने का, उसके बाद इसको अच्छे से इसे फोल्ड करने का, उसके बाद इसको इसी में चिपका देने का। देखिए कितना अच्छे से एक गोला रेडी हो गया, कहीं भी खुदरा नहीं है, बहुत अच्छे से है। अभी इसको फ्राई होने के लिए इसमें डाल देती हूँ गोल्डन ब्राउन। फ्राई होगा धीमी आंच पर इसे करूँगी, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से काला पड़ जाएगा। इसके लिए धीमी आंच अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से बबल्स आ रहे हैं, फ्राई भी हमारा ये हो रहा है, चिपक नहीं रहा एक भी। ये बहुत अच्छा गुलाब जामुन पाउडर है, ये गोवर्धन का पाउडर बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छे से फूला फूला हो रहा, चिपक भी नहीं रहा, हल्का गोल्डन हो गया है। बस इसको इसी तरीके से इसको फ्राई करूँगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी इसको थोड़ा सा काला कर लेती हूँ। हमारा गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बना है, देखिए पाउडर वाला, अभी कितना अच्छे से फ्राई हो गया है और अंदर से सिक गया है। अभी इसको मैं निकाल के, देखिए इधर दिखाओ, अभी इधर इधर देखिए कितना अच्छे से इसमें चाशनी इसमें अच्छे से एडजस्ट कर ली है, और इधर भी थोड़ा काला करना है मुझे इसके लिए। हो गया है, तैयार है, लेकिन थोड़ा और काला कर लूँ तभी इसको निकालूंगी। अभी गुलाब जामुन फ्राई हो गया, चूल्हे को बंद कर देती हूँ। गुलाब जामुन बहुत अच्छे से हुआ है, अभी इसमें गुलाब जामुन को डाल देती हूँ और चाशनी में अच्छे से मिला लेती हूँ। जो नीचे वाला है ऊपर कर देती हूँ और इसको अच्छे से इसी में रख देती हूँ। इसको एक घंटे के लिए अच्छे तरीके से इसी में रहने दूंगी, ऐसे ढक के। देखिए कितना अच्छे से हुआ है, और अभी गुलाब जामुन बनके तैयार हो गई, बहुत अच्छे से सेट हो गई है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अभी एक प्लेट में डाल के मिलती हूँ इसको सर्च करके। गुलाब जामुन एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है और पिस्ते से गार्निश की हूँ। देखिए बहुत अच्छे से बना है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं ये काट के दिखाती हूँ। देखिए एक काटने का मन नहीं हो रहा, फिर भी काट देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए कितना जूसी बना है, पास से देखो, देखिए कितना जूसी बना है, एकदम चाशनी एकदम अंदर तक पी गई है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।